हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में हमारी सिंथेसिस की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे पार्ट 5, और पार्ट 5 में हम समझेंगे कि सिंथेसिस में 2 सेंटेंसेज को हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 सेंटेंसेज जब दिए रहेंगे तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कंबाइन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सिंथेसिस के 4 वीडियो बनाए हैं उनको देखना भी बहुत जरूरी है। तो उनको भी आप लोग, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे ग्रामर के प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए 2 सेंटेंसेज को जोड़कर। तो सिंथेसिस जो है ये है 2 सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। तो 2 सेंटेंसेज को जो हम जोड़ेंगे तो हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले समझिए कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित ना होकर स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देते हैं, इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस में मेनली, तो स्टूडेंट अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आप 3 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड, ठीक है, सेंटेंस। अगर आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 आपका है कंजंक्शन के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, ठीक है, नंबर 1 कंजंक्शन के द्वारा, कंजंक्शन मतलब संयोजक। दूसरा आपका रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, ठीक है, जो रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके द्वारा। अभी मैं समझाऊंगा इन सभी को स्टेप बाय स्टेप, समझिए रूल्स के साथ मैं समझाऊंगा। तीसरा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो 3 चीजों द्वारा हम कर सकते हैं, नंबर 1 कंजंक्शन के द्वारा, नंबर 2 रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, नंबर 3 है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के द्वारा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एक को हम देखेंगे, बस आपका कंपाउंड सिंपली समाप्त हो जाएगा अगर आप पूरा देखते हैं। तो इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए कंजंक्शन के द्वारा कैसे हम कर सकते हैं, घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल है। कंजंक्शन के द्वारा 2 वर्ड्स या सेंटेंसेज को जोड़ा जा सकता है, यानी कि कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, संयोजक का मतलब 2 सेंटेंसेज को आपस में जोड़ना। तो कंजंक्शन के द्वारा 2 वर्ड्स या सेंटेंसेज को आपस में जोड़ा जा सकता है। अब कंजंक्शन होते क्या है, कंजंक्शन देखिए बहुत सारे कंजंक्शन है, आप अपने डेली लाइफ में भी यानी कि ग्रामर में जब पढ़ते होंगे तो ये सब कंजंक्शन देखने को मिलते होंगे इंग्लिश के बुक में भी, एंड एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, बट, स्टिल, ओनली, एट, नेवरदेलेस, हाउएवर, अदरवाइज, और, आइदर और, नाइदर नॉर, देयरफॉर, फॉर, सो, ये सब आपके हैं कंजंक्शन, ठीक है, जो 2 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन के द्वारा, कंजंक्शन ये सब आपके हैं, इसमें 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से सब कुछ आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो हम लेंगे कि यू, आई एम, पहले हम सिंपल लेंगे, ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए पेशेंट, ही इज ए पेशेंट, देखिए क्या है, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ही इज ए पेशेंट, वह एक मरीज है या रोगी है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ, 2 सेंटेंस यहां पर हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन यानी कि कंजंक्शन हम यूज करें ताकि इसमें सुइटेबल रहे। तो देखिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं आई एम, जो इसका सही होगा आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर एंड, ठीक है, एंड ही, सॉरी ये स्मॉल रहेगा, ठीक है, ही इज ए पेशेंट, ही इज ए
पेशेंट, तो यहाँ पर जो यच है ये इस्तेमाल रहेगा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो देखिए क्या है, आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए पेशेंट। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आगे लिखा रहेगा किस में कन्वर्ट करें, कंपाउंड में। अगर कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा तो कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स भी मैंने इससे पहले बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका है दो सेंटेंस है जिसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड में, तो हमने यहाँ पर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया कंजक्शन के द्वारा कि आई एम ए डॉक्टर। एंड देखिए एंड मैंने सबसे पहले कंजक्शन में बताया था, तो एंड हमने यहाँ पर लगा दिया ही इज ए पेशेंट, तो यहाँ पर एंड है आपका कंजक्शन। तो कंजक्शन के द्वारा हम दो सेंटेंसेज को कंपाउंड सेंटेंस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं जल्दी से ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें इसको। दूसरा एग्जांपल हमारा है कि यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू विल फेल। देखिए दो सेंटेंसेज हैं, दो सिंपल सेंटेंसेज हैं, हमें इसके कंजक्शन के द्वारा दोनों को ऐड करना है। तो देखिए यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जबरदस्त अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे। क्या यहां पर हम लेकर आए ताकि दोनों को जोड़ दे, वो हो आपका कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देखिए यू हमने लिखा मस्ट, ठीक है, स्टडी स्टडी हार्ड, बीच में हम क्या जोड़ दें ताकि दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो देखिए यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू विल फेल, यू मस्ट स्टडी हार्ड अदरवाइज, अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। देखिए क्या है, यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अदरवाइज का हिंदी होता है अन्यथा, ठीक है, अन्यथा, तो अन्यथा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अदरवाइज मैंने क्या बताया है इन कंजक्शंस में, देखिए कहीं है, ये रहा, ये आपका है अदरवाइज, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, तो ये आपका अदरवाइज है, यहाँ पर हमने अदरवाइज यूज कर लिया, यानी कि यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेज को आपस में जोड़ दिया कंजक्शन के द्वारा और बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हमारा इस टॉपिक का, ही कॉपीड द आंसर, आंसर, ठीक है, ही वाज रिब्यूक्ड। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझिए कैसे बनाएंगे हम इसे। तो देखिए सेंटेंस में क्या कहा गया है, ही कॉपीड द आंसर, उसने आंसर को कॉपी किया था या फिर नकल किया था, ठीक है, उसने आंसर का नकल किया। ही वाज रिब्यूक्ड, ही वाज, वह रिब्यूक्ड मतलब होता है फटकार लगाना, ठीक है, तो वह फटकारा गया या डांटा गया, तो उसने आंसर यानी कि उत्तर को कॉपी किया था, वह डांटा गया, वाज लगा है, यानी कि यहां पर आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है, किसका, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ही वाज रिब्यूक्ड। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ही कॉपीड द आंसर, उसने आंसर को कॉपी किया था, ही वाज रिब्यूक्ड, वह फटकारा गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही कॉपीड द आंसर, सो, इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, ये भी एक कंजक्शन है, सो ही वाज रिब्यूक्ड, ठीक है, ही वाज रिब्यूक्ड, ही कॉपीड द आंसर, सो ही वाज रिब्यूक्ड, उसने आंसर को कॉपी किया था इसलिए वह डांटा गया। देखिए हमने सो से इसको कंजक्शन को, सो कंजक्शन का यूज करके हमने कंबाइन कर दिया और ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो क्या मैंने इसमें कहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है लास्ट में, तो ये आपका यहाँ पर कंजक्शन बन गया। सभी कंजक्शन का एग्जाम्पल तो मैं नहीं बता सकता लेकिन आगे मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, कोई भी कंजक्शन होगा आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो देखिए क्या है ऊपर, रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा हम कैसे इसको कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, ठीक है, इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे, दो सेंटेंसेस को हम कैसे कंपाउंड बनाएंगे, रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, रिलेटिव एडवर्ब जैसे, सॉरी यहां पर आपका जो होगा रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, जैसे क्या क्या है आपका, व्हेयर, व्हेन, हाउ आदि का यूज भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका रिलेटिव
एडवर्ब होता है वो होता है वेयर, व्हेन, हाउ। इन सभी का यूज भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने में करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल समझिए। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, जैसे हमने नंबर वन एग्जाम्पल ले लिया, ही, ये रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है, ही वेंट टू शिमला, ही वेंट टू, ये आपका जो यस है ये बड़े लेटर मारेगा, ठीक है, तो शिमला, ही वेंट टू शिमला, ही डिड ट्रेकिंग, ही डिड ट्रेकिंग, ठीक है, ट्रेकिंग, उसके बाद में आपका हो जाएगा डियर। देखिए क्या है, ही वेंट टू शिमला, ही डिड ट्रेकिंग डियर, ये डबल किए है, इसको किए आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी होगा, वह शिमला गया, उसने शिमला, वह शिमला की यात्रा, उसने शिमला की यात्रा की, ठीक है, उसने वहां शिमला, उसने वहां यात्रा की। तो इसका क्या होगा समझिए, ही वेंट टू शिमला, ही डिड ट्रैकिंग डियर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे ही वेंट टू शिमला, ही वेंट टू शिमला, व्हेयर, व्हेयर का यूज कर देंगे रिलेटिव एडवर्ब का, व्हेयर ही डिड ट्रेकिंग, ट्रेकिंग, ठीक है। तो ही वेंट टू शिमला, व्हेयर ही डिड ट्रेकिंग, डियर नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहां पर व्हेयर लगा दिया, तो ये डियर आपका हट जाएगा। तो देखिए क्या होगा, वह शिमला गया जहां उसने यात्रा की, मैंने आकर यहां पर क्या बताया था, वह शिमला गया उसने वहां यात्रा की, तो यहां पर क्या है, वह शिमला गया वहां उसने यात्रा की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। और आपका कंपाउंड ये जो सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड में बदल गया है, दो सेंटेंस आपस में जुड़ चुके हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर हम समझते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे आपका है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल लेट, माय टीचर पनिश्ड, पनिश्ड मी देन, ठीक है, यानी कि आई वेंट टू स्कूल लेट, मैं स्कूल देर से गया, माई टीचर पनिश्ड मी देन, तब मेरे टीचर ने मुझे दंड सजा दिया, फिर दंडित किया, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, आई मैं स्कूल देरी से गया, मेरे टीचर ने मुझे दंडित किया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको लिख देना है, यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा माई टीचर पनिश्ड मी, माई टीचर, ठीक है, पनिश्ड, पनिश्ड मी, क्यों पनिश्ड किया, आगे हम लिख देंगे, व्हेन आई वेंट टू स्कूल लेट, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा माइंड आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहां पर लगाना होगा, क्या मैंने बताया है, मैं स्कूल देरी से गया, मेरे टीचर ने वहां, तब मेरे टीचर ने मुझे क्या किया, दंडित किया। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, माय टीचर पनिश्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे दंडित किया, कब, व्हेन, जब आई वेंट टू स्कूल लेट, जब मैं स्कूल देरी से गया, मेरे टीचर ने मुझे दंडित किया जब मैं स्कूल देरी से गया, ठीक है, वही बात है, थोड़ा आगे मैंने कर दिया, तो ये आपका सही सीक्वेंस होगा। इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक है कि रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्पाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इसको समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे आपका हु हो, व्हिच, दैट, हुम आदि का यूज भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने पर कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे हु, व्हिच, दैट, हुम आदि, ये सब जो होते हैं इनका भी सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको समझिए, तो देखिए सबसे पहला मैं ले रहा हूं यहां पर, आई मेट ये गर्ल, ठीक है, सी वाज ब्यूटीफुल, सी वाज ब्यूटीफुल, तो आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, मैं एक लड़की से मिला, वह सुंदर थी, इसको कैसे जोड़ेंगे, जोड़िए, आई मेट ये गर्ल, ठीक है, मैं एक लड़की से मिला, हु, जो, वाज ब्यूटीफुल, जो सुंदर थी, वाज ब्यूटीफुल। तो देखिए क्या होगा, मैं एक लड़की से मिला जो सुंदर थी, वही बात मैंने ऊपर कही है, मैं एक लड़की से मिला, वह बहुत सुंदर थी, वह सुंदर थी, मैं एक लड़की से मिला जो सुंदर थी, ठीक है। देखिए मैंने दो सेंटेंस को जोड़कर आपस में कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, किसके यूज से, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, जैसे व्हिच,
हाउ, व्हिच, हु, दैट, होम, तो मैंने हु का यहाँ पर यूज कर लिया, ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल इसका और समझते हैं, बस इसके बाद आपका एक कंपाउंड सेंटेंस एकदम फिनिश हो जाएगा। तो ही वाज ए, ही हैज ए स्मार्टफोन, ही हैज ए स्मार्ट फोन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ही हैज ये स्मार्टफोन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, उसके पास एक स्मार्टफोन है, वह बहुत महंगा है। ठीक है, उसके पास एक स्मार्टफोन है, वह बहुत महंगा है। इसको कैसे हम कंबाइन करें उसमें कंपाउंड सेंटेंस में, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, तो समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे ही हैज ए स्मार्टफोन, ही हैज ये स्मार्टफोन, उसके पास एक स्मार्टफोन है, which जो कि is very expensive, is very expensive, expensive, ठीक है, तो he has a smartphone, उसके पास एक smartphone है, which is very expensive, जो कि बहुत ही महंगा है, जो कि बहुत महंगा है, तो उसके पास एक smartphone है जो बहुत महंगा है। ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा किसमें कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को आपस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका कंपाउंड सेंटेंस समाप्त हो जाता है कि हम दो सेंटेंसेस को आपस में कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें। ये सिंथेसिस का पार्ट 5 वीडियो था, तो ये वीडियो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि आप जो है सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कंजक्शन के द्वारा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा कैसे हम सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और किसी भी टॉपिक में क्योरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।